मेरा नाम है रामावत सुमन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हमारे जो ये बच्चे हैं, मेरे साथ जो है 5 बच्चे और ये लोगों के साथ और एक 5 का मैं हेल्प लिया था, जो ये बिगनिंग ऑफ ये दिसंबर 2019 में जो ये बच्चों को एक प्रोजेक्ट कराना था, तो वो टाइम पे कुछ रिसर्च लेवल पे प्रोजेक्ट करना बोल के हम डिसाइड हुए थे। तो वो टाइम पे जो माई बैकग्राउंड, मेरा जो बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, जो मेरा फादर है फार्मर, तो हम लोग देखते जो खेतवाड़ी का काम में जो देखते जो पेस्टिसाइड जो भी करते ना, जो दवा जो भी अपन ये झाड़ों के ऊपर जो देते ना, ये स्पेशली पहाड़ी, तो उसमें क्या होता बोले तो देर विल बी लीकेजेस रहता, वो जो पंपिंग करने के टाइम पे लीकेजेस रहता, वो जो अंदर का जो पेस्टिसाइड है वो आके ऊपर गिरना, गिरने के बाद उनको जो हेल्थ इश्यूज ऐसे क्रिएट होते। तो वो सब देख के उसके बाद जो हमारे मेरे को जो ये आइडिया आया था, जो मार्केट में ड्रोन जो अवेलेबल है बट कॉस्टली है, तो हमारे बच्चों को आइडिया दिया था कि चलो ये प्रोजेक्ट करके देखेंगे अपन क्या कॉस्ट में कर सकते हैं, क्या है एस्टिमेशन पूरा लगाओ बोल के मैं आइडिया दिया था। तो बच्चे जो काम करे वो आइडिया के हिसाब से देखे, हम 80,000 में वो प्रोजेक्ट खत्म करने वाले थे, 80,000 में जो हमारा एस्टिमेशन था। तो हम स्टार्ट करे थे प्रोजेक्ट, जो मटेरियल आने में जो दिसंबर में ये आइडिया आया था, जो जनवरी में हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे, जो जनवरी में जो क्या हुआ वो जनवरी एंडिंग में जो ये चाइना से जो अपने को ये प्रॉब्लम आ गया, जो थोड़े मटेरियल्स मिलना मुश्किल हो गया हमारे को। तो उसके बाद जो हमारे को जो ये ऐसा लिंक पे जो तिरुपति में ये मटेरियल अवेलेबल है बोल के वो इन्फॉर्मेशन आया था, उधर जाके जो हम खरीदे, मगर जो कास्ट भी ज़्यादा था तो हमारे को ऑप्शन नहीं था तो खरीद लिए। तो हमारे को जो मैक्सिमम प्राइस जो हुआ 1,20,000 रुपया हम जो लगाए सो है उसके ऊपर, वो प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम जो फेस करे और जो हमारे ये प्रोजेक्ट में जो ये बच्चे बोले, जैसा हमारे को जो हेक्सागनल है सो 6 मोटर्स रहती है इसमें, छः मोटर्स को बोले तो प्रोपेलर्स रहते, और इसका जो हाइट में जो फ्लाई होता 400 मीटर तक होता, और जो डिस्टेंस में देखे तो 400 मीटर तक ही है। तो रेडियस में देख लीजिए और हाइट में देख लीजिए, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता, और ये कम्प्लीटली ये रिमोट से कंट्रोल होता है ये पूरा ये जो प्रोजेक्ट है। और इसमें और मेन क्या है बोले तो ये 5 लीटर्स की टैंक जो डिज़ाइन करे हैं, 5 लीटर्स की टैंक, और जो हमारा टोटल वेट ऑफ द प्रोजेक्ट देखे तो 9 kgs लिफ्ट करता, मगर वेट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग लिक्विड, अंदर लिक्विड देखे तो वो पूरा मिला के हमारे को 6 kgs ही जा रहा, और 9 kgs का लिफ्ट करने का टोटल 18 kgs तक लिफ्ट करता, मगर जो 50% एटलीस्ट ले लिए तो 9 kg तक ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं अपने को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, ना वाइब्रेशन कुछ भी नहीं आता, ईजिली 9 kg तक अपन लिफ्ट कर सकते। और वो जो प्रेसिसाइड नॉट ओनली ये जो पहाड़ी ये एग्रीकल्चर तरफ से ही नहीं, जो अपने को थोड़े ये फ्रूट्स की जो ये भी रहते अपने को थोड़ा झाड़ू उसके ऊपर भी अपन स्प्रे कर सकते। उसके बाद जो एक कोविड हिसाब से जो हमारे को जो सडनली जो ये प्रॉब्लम इश्यू हुआ, तो सडनली हमारे को जो ये चीज क्लिक हुआ, ये ड्रोन को अपन ये सैनिटाइजर को क्यों ना यूज कर सकते। सो देर इज ए पॉसिबिलिटी, सो ये थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस करके हम क्या करें उसमें जो सैनिटाइजर लगा के हम उसको ट्रायल बेस करे थे, ट्रायल बेस में हम सक्सेस हुए। सक्सेस होने के बाद हमारे जो कॉलेज के सराउंडिंग पे जिधर भी है वो पूरे एरियाज में हम ऑलरेडी सैनिटाइजर कर चुके, और सैनिटाइजर में अच्छा सक्सेस हुआ। हमारे को जो टाइम टेकन भी हमारे को ईजिली विद इन 2 मिनट में हमारे जो 5 लीटर का टैंक खत्म हो जा रही। तो देख लीजिए हम जो स्प्रेस कैसा लगा, उसमें जो नॉजिल्स है वो स्प्रे करने को, वो नॉजिल्स भी हम पूरे हमारे ओन कैलकुलेशन से लगाए सो है, ये किसी से कॉपी करे सो नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे ओन आइडिया, जो हमारे बच्चे जो कैलकुलेट करके वो लोगों के ओन आइडिया से वो पूरी चीज़ लगा के आज जो हमारे कॉलेज जो लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कॉलेज की मैनेजमेंट है वो लोगों के एंकरेजमेंट से, जो हमारे डॉक्टर सैयद आजम पाशा खादरी जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैकेनिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वो लोगों की जो साथ लेके वो लोगों का सपोर्ट लेके जो मेरा आइडिया को ये लोग जो हमारे बच्चे हैं ये लोगों का विदाउट ये लोगों की एफर्ट से वो नहीं कर सकते। बोलते लोग कि ड्रोन है, ड्रोन प्रोजेक्ट अवेलेबल है, मगर काम करना, उसके जो पार्ट्स की एक एक मैकेनिज्म सीखना वो इम्पोर्टेंट है, वो एक एक मैकेनिज्म की पूरा पढ़ के ये लोग जो ये लोगों की खुद कैलकुलेशन से ये लोगों की ओन टैलेंट से हमारे साथ बैठ के हम पूरे ओन कैलकुलेशन से हम पूरा वो सेटअप को बनाए सो है। और ऑलमोस्ट इसमें और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज काज ये है, तो हम जो दे रहे चीप एंड बेस्ट प्राइस में दे रहे सो है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। आजकल जो एग्रीकल्चर में जो ड्रोन देखे तो 2 लाख मिनिमम कॉस्ट में मिल रहा सो है, मगर जो हमारे ड्रोन है हमारे को 80,000 में खत्म होने वाला था वो, मगर 1,20,000 में गया। वो जो रीजन है कि कोविड, ड्यू टू कोविड, मगर कोविड में जिधर भी किधर भी जो एरियाज में कुछ सैनिटाइजर जो करना है तो हमारे जो बच्चे रेडी है हम लोग डेफिनेटली आते वो एरिया को आके सैनिटाइज करते जो एरिया में करना है। और इसके साथ और एक प्रोजेक्ट जो रिसेंटली हम स्टार्टअप करें मेरे अंडर में और हमारे डॉक्टर सैयद आजम पाशा खादरी सर के अंडर में करे सो है, सेंसर हैंड सैनिटाइजर।
आप किधर भी गूगल कर सकते हैं, उसका कॉस्ट है 2000, जो हम करें 400 रुपये में मिल जाता हमारे पास। वो सेंसर से अपना हाथ उधर रखना, ना वो सेटअप को टच करना, कुछ भी नहीं कर सकते, जो हाथ रखना अपना वो बाय डिफॉल्ट सेंस कर लेके वो जो लिक्विड अंदर जो सैनिटाइजर रहता है वो बाहर आ जाती है, और जब अपना हाथ हटा देंगे वो बाय डिफॉल्ट जो ऐसा ही चाहिए टेक्नोलॉजी आप देख सकते जो ये अपने सिनेमा सेंटर्स में राइट, और घर में भी थोड़े लोग लगा लेते हैं, ये जो टैप्स रहते ना वो सेंसर टैप्स लगा लेते हैं राइट, वही टेक्नोलॉजी हम इधर यूज करें, वो 400 रुपये में मिल रहा। और इसके साथ और एक प्रोजेक्ट है ये देखे तो, ये जो इलेक्ट्रिक बाइक, पहले हम जो उसमें लगाए एयर प्यूरीफायर लगाए, इलेक्ट्रिक बाइक मतलब ये फ्री फ्रॉम पोल्यूशन राइट, अब उसके साथ हम क्या लगाए एयर प्यूरीफायर भी लगा दिए उसमें, और उसके अभी हमारे जो रिसर्च चल रहा अभी स्टिल उसको हम सैनिटाइजर के पर्पस में भी उसको लेके जाना बोल के देख रहे, वो भी चल रहा सो है। और अभी जो कॉलेज के एंट्रेंस पे देख सकते वो मिस्ट सैनिटाइजर बोल के एक प्रोजेक्ट है, वो डॉक्टर सैयद आजम पाशा खादरी एंड उसके साथ और एक जो हमारे फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर नितिन चंद्र मानस, ये दोनों मिलके बच्चों को गाइड करके ये लॉकडाउन के पीरियड में जो May 22 को जो स्टार्ट करे प्रोजेक्ट, June 1 को उधर लगा दिए सो है वो सेटअप, वो सेटअप भी हमारे खुद हमारे बच्चे ने करे सो है हमारे गाइडलाइंस के अंडर, और वेरी चीप प्राइस 60,000 में वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिए सो है। एंड सून वो जो प्रोजेक्ट्स है हमारे को ऑलरेडी 4 ऑर्डर आ गए सो है, वो भी हम हमारे जो गाइड्स है जो हमारे फैकल्टीज है गाइड फैकल्टी गाइड्स है वो लोग के अंडर में वो भी 4 प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट हो गया, वो भी चल रहा। और ये जो है हमारा जो एक ही काज है कि हम जो बच्चों को कुछ तो भी एरिया में एंकरेज करना, वो लोगों को बाहर लेके आना, और फ्यूचर के लिए फ्यूचर में जो अपने को जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड वो लोग कंपलसरी डिपेंड होना ही पड़ता, तो वो बेस के ऊपर हम लोग ये पूरे चीज़ सेलेक्ट करे सो है। और उसके साथ जो हमारे बच्चे भी ऐसे टैलेंटेड है, हम जो काम दिए वो काम को वही टाइम पे हमारे को जो टाइम शेड्यूल भी रख लिए वो टाइम के विद इन द टाइम में वो कंप्लीट करे सो है। आई स्पेशली कंग्रेचुलेट टू एंटायर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क, बिकॉज मेरे पास आइडिया था भी, मगर मैं वो बच्चे नहीं है तो मैं नहीं करने वाला था वो राइट। सो बच्चों का एफर्ट्स है इसमें पूरा, तो विदाउट दो स्टूडेंट्स इट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल, टुडे हम तो वो प्रोजेक्ट में सक्सीड है। ये जो प्रोजेक्ट है मेन कॉज इन्वायरमेंट के लिए और पब्लिक के लिए बनाया सो है, थैंक यू वेरी मच। ये बच्चे जो एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड अवर दिस प्रोजेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 2020 एट जनवरी व्हाइल वी वर रजिस्टरिंग फॉर प्रोजेक्ट, बट when we started our project, we heard that there is a lockdown in China, we can't take any material from import and exports were closed. So we have to travel to Tirupati and to get some things like materials, motors, propellers and all. So that might take some time for us, that's what made us delay. And as well as because of this lockdown and because of the import-export problem, we have got material in really expensive. So anyhow, we have completed our project before the lockdown, before the 2 days. We have also showed our project to our mentor Suman sir as well as our HOD sir, that our project is in working conditions and all.